सास्वती ओली जी की आराधना, आज आराधना का कितनावा दिन? चौथा दिन। प्रथम दिन अरिहंत पद की आराधना करी, दूसरे दिन सिद्ध पद की आराधना करी, तीसरे दिन आचार्य पद की आराधना करी, और आज चौथे दिन कौन से पद की आराधना? कौन से पद की आराधना? उपाध्याय पद की आराधना, उप अध्याय। जो अध्ययन के करीब रहे, जो ज्ञान के करीब रहे, जो ज्ञान के समीप रहे, उनको उपाध्याय कहा जाता है। जिसकी चारों ओर से आप देख लो, हर जगह आपको ज्ञान ज्ञान और ज्ञान दिखाई पड़ता हो, ऐसे मुनि भगवंत को उपाध्याय कहा जाता है। वो आचार्य से एक स्टेप नीचे है तो मुनि से एक स्टेप ऊपर है। कहते हैं कि हमारे जिन शासन में शासन की जिम्मेदारी यदि आचार्य भगवंत की है, तो ज्ञान परंपरा की जिम्मेदारी हमारे उपाध्याय भगवंतों की है। शासन को चलाना यदि आचार्य भगवंतों का काम है, तो ज्ञान की परंपरा को निर्वाण करना, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना, ज्ञान की परंपरा को चलाना, ये उपाध्याय भगवंतों का काम है। इसलिए आचार्य भगवंतों के बाद में उपाध्याय भगवंत का क्रम रखा गया है। और हम कहते हैं तीसरे पद में नमो आयरियाणम और चौथे पद में नमो नमो उवज्जाया। उपाध्याय पद को मैं वंदन करता हूं। एक अपेक्षा से देखा जाए तो मैंने कहा था प्रथम दो पद है वो देव तत्व है, उसके बाद के तीन पद है जो गुरु तत्व है, और उसके बाद के चार पद है जो धर्म तत्व है। तो देव तत्व तो पहले दो दिन में परिपूर्ण हो गया। अब जब गुरु तत्व की बात चल रही है तो गुरु तत्व के तीन पद आचार्य, उपाध्याय और साधु, और वो तीन पद में सेंटर में यदि कोई है तो वह कौन है? कौन है? उपाध्याय। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीन पद को एक लाइन में रखा जाए तो सेंटर में यदि कोई है तो वह उपाध्याय पद है। आचार्य और साधु दोनों के साथ में ब्रिज का काम जो करते हैं, साधु की ओर भी जा सकते हैं, आचार्य की ओर भी जा सकते हैं, आचार्य को भी उपयोगी बन सकते हैं, साधुओं को भी उपयोगी बन सकते हैं। ऐसे बीच का सेंटर का स्थान जिनको मिला है, ऐसे उपाध्याय पद की आज बात है। हमारे जिन शासन में कैसे कैसे उपाध्याय भगवंत हो गए, सकल चंद्र जी उपाध्याय हो गए, विनय विजय जी उपाध्याय हो गए, भानु चंद्र जी उपाध्याय हो गए, यशो विजय जी तो महामहोपाध्याय हो गए, ऐसे कितने जिन शासन में उपाध्याय भगवंत हो गए ये 2600 साल के इतिहास में। और सभी उपाध्याय भगवंतों ने एक ही काम किया है, ज्ञान के समीप रहने का काम किया है, लोगों को ज्ञान देने का काम किया है, लोगों को ज्ञान से जोड़े रखने का काम किया है, लोगों के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का काम। और ऐसे उपाध्याय भगवंत की आराधना का जब दिन है तो हम दो हाथ जोड़ के मस्तक झुका करके जिन शासन के सभी उपाध्याय भगवंतों को वंदना करते हैं। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।